थिंक ऑनलाइन थिंक ओएफआर, जो सदा है आपके साथ। मेरा नाम राजेश है और वर्तमान में मैं ओएफआर का फाउंडर हूं। अभी इस वीडियो को जो भी सुन रहा है, मैं उसे बता देना चाहता हूं कि ये एक राइट चांस है इंडिया को बदलने का। तो मेरा आपसे निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आप यही रहिए और अपने दिमाग को भी यही रखिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। सन 2018 में हमारा भारत बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रहा है और बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। पूरे विश्व में हर एक मिनट में लगभग 400 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई जा रही है और 300 से ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जो कि अभी हमारे हाथों में है। यदि आज किसी भी चीज को लेकर 1% भी हमें डाउट होता है, तो 1 सेकंड के अंदर उसका जवाब हमारे सामने होता है। और यदि हमें कुछ भी चीज खरीदना हो तो हम घर बैठे उसे मंगवा सकते हैं। हम सभी बहुत ही खुश है क्योंकि हमें घर बैठे ही सारी चीजें उपलब्ध की जा रही है, और आप सभी बहुत ही खुश है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, है ना। इस पर आप सभी की क्या सोच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन चीजों के बारे में कुछ और ही सोचता हूं। यदि आप अंदर तक जाएं तो शायद आप में से कुछ लोग भी इसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि मैं थोड़ा सोचने की कोशिश करूं तो मैं ये जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते भी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को बिजनेस में यूज करना जानते भी नहीं है। तो यदि सिर्फ हम आगे बढ़े तो ये सही नहीं होगा, हमें अपने साथ साथ अपने लोगों को भी ऊपर उठाना होगा। एक दिन मैंने घर पर बैठकर सोचा कि क्यों हम किसी एप्लीकेशन के बारे में अपने दोस्तों को बताते, अपने परिवार को बताते हैं और उसे भी वही यूज करने के लिए कहते हैं। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बिजनेस में इसे यूज कर सकते हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते हैं? और इन तकनीकी चीजों में इंप्रूव करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए और कितने दिन हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, और कितने दिन लगेंगे कि हम किसी का इंतजार करेंगे कि कोई आएगा और इन चीजों को सुधारेगा। आज बिग मार्केट्स, मॉल्स, डीमार्ट्स, सभी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर हम क्यों वहीं बैठे हुए हैं? फिर हम क्यों अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ यही नहीं, आज जितने भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, वो गारंटी है कि फॉरेन कंपनी की ही होगी। कोई एक व्यक्ति जो विदेश में कहीं दूर बैठा है, वो हमारे गांव-गांव, छोटे-छोटे इलाकों तक पहुंच गया है, लेकिन आज हम हमारे देश में रहकर हमारे क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि हमें सर्विस देने की आदत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस लेते हैं। आज हम उनके अंडर में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो हम चीजें बना रहे हैं उसे अपने ब्रांड के नाम के साथ भी नहीं बेच पाएंगे। और सोच कर देखिए क्या होगा एक दिन यदि इसी प्रकार से ये आगे भी चलता रहा। मैं ये प्रश्न आप सभी पर छोड़ता हूं, सोच कर देखिए। ओएफआर का मतलब है ऑफर, और ऑफर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए नहीं, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी। भारत में बहुत सारे रिटेलर्स हैं, और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो हमारा पूरा देश, हमारा पूरा भारत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसके कारण आप अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे। और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल मैन्युफैक्चरर्स भी आगे बढ़ेंगे। यदि रिटेलर और मैन्युफैक्चरर्स खुश हैं तो पूरे भारत का कस्टमर खुश होगा, और यदि पूरे भारत का कस्टमर खुश है तो ओएफआर भी खुश होगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाएं और इसे अपनी जिंदगी में अपनाएं। और यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न या फिर कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल या फिर कॉल कर सकते हैं। थिंक ऑनलाइन थिंक ओएफआर, क्योंकि हम हैं सदा आपके साथ।